गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि मार्केट में वाटरप्रूफ मेकअप आ गया है? मतलब आप विदाई के टाइम पे जितना मर्जी उतना रो सकते हो, पटक पटक के रो सकते हो, कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा आपको और आपका मेकअप भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो गाइस, अभी शादी में सभी ना वाटरप्रूफ ही मेकअप करवाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफरीन और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं ये अमेजिंग सा बंगाली ब्राइडल मेकअप लुक। इस लुक को क्रिएट किया है मौमिता दे ने। आज मैं इसका पूरा ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी मेकअप करवाने के लिए जा रही हूँ। मेकअप जैसा भी हो, मेकअप के पहले हमारी ये जो स्किन है, इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं अपने फेस को क्लेंस करने के लिए यूज़ करती हूँ डर्मावाइव का हाइड्रा क्लेंजर। एंड इसके अंदर ना नेचुरल कोलॉइडल ओटमील है, जो कि हमारी स्किन को मेकअप से पहले क्लेंस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे खास बात यह है कि ये जेंटली हमारी स्किन को क्लीन करता है बगैर स्किन को ड्राई किए, और ये हमारी स्किन की जो पीएच लेवल है उसको अच्छे से मेंटेन करता है और हमारी स्किन को हेल्दी एंड बिल्कुल सॉफ्टी सॉफ्टी बना देता है। एंड गाइस, नेचुरल कोलॉइडल ओट मिल एक मल्टी फंक्शनल नेचुरल स्किन प्रोटेक्टेंट है। सिर्फ यही नहीं, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। एंड गाइस, डर्मावाइव का हाइड्रा क्लेंजर बिल्कुल सोप फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री एंड पीएच बैलेंस्ड है, जो कि हमारी स्किन के जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, उसको भी दूर रखता है। ये ना बिल्कुल सूटेबल है ऑल स्किन टाइप्स के लिए। इवन जिनका सेंसिटिव स्किन है वो भी इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। एंड दिस इज मेड इन ऑस्ट्रेलिया। अब फेस को वॉश करने के बाद मैं यूज करती हूँ न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन। एंड इसके अंदर ना स्पेशल विटामिन ई है। अब नॉर्मल टाइम पे तो मैं इसको यूज करती ही हूँ, बट मेकअप के पहले मैं इसको हमेशा अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेकअप के नीचे ना ये स्किन को बिल्कुल हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड रखता है। यहाँ पे जो स्पेशल विटामिन ई यूज किया गया है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। यूजुअली क्रीम्स में जो विटामिन ई यूज किया जाता है वो एसिडेट है, बट यहाँ पे जो विटामिन ई यूज किया गया है वो फॉस्फेट है, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। एंड गाइस, इसके अंदर ना स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, जो कि एजिंग इफेक्ट, स्किन डैमेज एंड रिंकल्स, इन सबसे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एंड ये हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही ज्यादा जेंटल है, तो सारे स्किन टाइप्स के लोग इसको यूज कर सकते हो। दोनों ही प्रोडक्ट्स रिलेटेड जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अभी वो यूज कर रही है डीप एक्सफोलिएटिंग पील ऑफ। इससे ना वो मेरी फेस को घिस 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 के सारे धूल, मिट्टी, पोल्यूशन वगैरह, इन सबको अच्छे से साफ कर रही है। इसके बाद वो एक वाइप से मेरे फेस को अच्छे से साफ कर रही है, और इसके बाद तो आप देख ही सकते हो मेरी फेस जो है ना, वो चकाचक हो गई है एकदम। अभी वो अप्लाई कर रही है मॉइस्चराइजर, जिसका नाम है एम्ब्रॉयलीज लाइट क्रीम कॉन्सेंट्री, ऐसा कुछ बहुत ही भयानक सा नाम है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है। इसको कहते कहते तो मेरे दांत ही टूट गए भाई। तो अभी वो अप्लाई कर रही है कलर बार का प्राइमर, और प्राइमर का काम तो पता ही है, हमारी जो फेस है इसमें बहुत ही बड़े छोटे छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे को ना भरने के लिए यूज होता है प्राइमर, तो प्राइमर हमेशा यूज करना। अभी वो मेरी आईब्रोज को कर रही है ड्रॉ, और आईब्रोज ड्रॉ करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी अच्छे से। मतलब ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, अच्छे से ड्रॉ करना जरूरी है, वरना वर्ल्ड मेकअप आर्टिस्ट का तो आप लोगों को पता ही है, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं मुझे हमेशा। तो अभी वो मेरी आईब्रोज को सेट करने वाली है शॉपर रिल का कंसीलर पैलेट से। अब आईब्रोज आप पहले जैसा भी ड्रॉ करो, होना तो रावण जैसा ही है, उसके बाद इसका अच्छे से सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेट नहीं करते हो ना, फिर तो आप लोगों को पता ही है, जिन लोगों को नहीं पता मेरा वर्ल्ड मेकअप का वीडियो आप देख लेना, पता चल जाएगा अपने आप। अभी उन्होंने मेरी आईब्रोज को सेट कर दिया है, और आईलिड पे भी उन्होंने कंसीलर अप्लाई करके लूज पाउडर से सब कुछ सेट कर दिया है। और लूज पाउडर से सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपने बगैर सेट किए आई शेडो अप्लाई कर लिया ना, तो शादी में दुल्हन की जगह कब आप डायन में तब्दील हो जाओगे ना।
किसी को पता भी नहीं चलेगा। आई शेडो ना अच्छे से बैठेगा ही नहीं और पूरा चिपचिपा हो जाएगा और पूरे फेस में भी फैल सकता है, तो इस चीज का ना खास ध्यान रखना। तो जो भी हो, अभी आई मेकअप स्टार्ट होने वाला है और चलो इस मौके का फायदा उठा के थोड़ा मेलजोल बना लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपना बेस्ट मेकअप खाली अपने सब्सक्राइबर से ही करवाती हूँ, तो अगर आप में से कोई मेकअप आर्टिस्ट हो और मेरा मेकअप करना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टा में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड और एक जो चीज, आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हो कि बेस्ट मेकअप के टाइम पे मैं इतने अच्छे अच्छे ज्वेलरीज कपड़े कैसे पहनती हूँ और वर्स के टाइम पे सेम सेम कपड़े क्यों पहनती हूँ। तो बात ये है कि बेस्ट के टाइम पे वो लोग हमें पहनने को देते हैं एंड वर्स के टाइम पे मैं अपने मम्मी के कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्राइडल साड़ीज लहंगाज वगैरह नहीं है और वैसे भी वर्स मेकअप में बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, तो उसके ऊपर अगर हर एक मेकअप पे साड़ी खरीदने के लिए जाऊँ तो इतने पैसे कौन देगा यार। अभी वो यूज़ कर रही है सुवा का लिक्विड इल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर, जो कि पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद अंदर से मुझे गोल्ड गोल्ड वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं पूरा एक गोल्ड गोल्ड बन गई हूँ। मेरी पूरी फेस एकदम फेस से गोल्ड निकल रहा है एकदम, और मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझे चुरा के ना लेके जाए। जो भी हो, अभी वो यूज़ कर रही है बेस मेकअप और बेस मेकअप के बाद तो मैं बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाली हूँ एंड आप लोग देख ही सकते हो कि फेस एकदम ग्लो ग्लो हो गया है। और अभी टाइम है फाउंडेशन का, तो अभी वो शॉपरडल का फाउंडेशन यूज़ कर रही है। ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है एंड इसको अभी वो एक छोटे से चाकू की मदद से अप्लाई कर रही है, पता नहीं इस चाकू को क्या कहते हैं। जो भी हो, उसके बाद वो एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही है और ब्लेंड करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनने वाली हूँ। वैसे वर्स आर्टिस्ट तो ब्लेंड करते नहीं है, धीरे धीरे फेस के ऊपर थोप देते हैं। जब तक आप कोई भी फाउंडेशन किसी को भी अच्छे से ब्लेंड ना करो, फिर आप भूत तो दिखना ही है आपको। सो अभी वो अप्लाई कर रही है कंसीलर, जो कि है मेबलिन का, और ये कंसीलर काफ़ी अच्छा है और कंसीलर को पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही अप्लाई करना चाहिए और ब्लेंड तो अच्छे से करना चाहिए, वरना वर्स मेकअप आर्टिस्ट का तो आप लोगों को पता ही है, कोई इतना ज़्यादा कंसीलर लगा के मुझे एकदम सफ़ेद चुड़ैल भूतनी शाक चुन्नी और पता नहीं क्या क्या है वो सब कुछ बना देते हैं एक साथ, और कोई इतना कम यूज़ करता है कि लगता ही नहीं कि मैंने कुछ फेस पे अप्लाई किया। तो जो भी हो, पर्टिकुलर जगह पे अच्छे से उसको अप्लाई करना चाहिए और ब्लेंड करना अच्छे से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप लोग देख सकते हो कि ब्लेंडिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो गया है और अभी ये जो फेस है दिखने में एकदम रसगुल्ला लग रहा है। अब आप लोग सोचो, इतना बड़ा सा एक रसगुल्ला लेके इंसान क्या करेगा। तो जो भी हो, शादी में तो रसगुल्ला होना ही है, बट दुल्हन का जो फेस है वो हमेशा एक परफेक्ट शेप में रहना चाहिए, तो इसके लिए कॉन्टोर कॉन्टोरिंग जो आप कहते हो वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड गाइस सुनो ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। आप में से ना बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं दूसरे यूट्यूबर्स को कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग भी अपने बेस्ट मेकअप में ऐसे ही फनी फनी बातें करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ कि एक साल पहले ये ट्रेंड आया था बेस्ट मेकअप एंड वर्स्ट मेकअप का, और 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बेस्ट मेकअप के ऊपर, जो कि मैंने खुद सोचा था कि बेस्ट मेकअप को अगर वर्स्ट मेकअप की तरह ही प्रेजेंट किया जाए आप लोगों के सामने तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। तब किसी ने भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया था, मुझे अपना खुद आइडिया मुझे आया कि चलो ऐसे इसको बनाते, तो मैंने बना दिया। बट अभी 6 महीने के बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स इसी बेस्ट मेकअप को वर्स्ट मेकअप की तरह ही फ़नी बात करके प्रेजेंट कर रहे हैं एंड वो आपको लग रहा है कि मैं उन लोगों को कॉपी कर रही हूँ। तो आप लोग एक काम करो ना, मेरे चैनल में जाओ और 6 महीने पहले का जो बेस्ट मेकअप है उसको जाके प्ले करो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किसी को कॉपी नहीं कर रही हूँ। तो जो भी हो, छोड़ो ये सब दुख भरी बातें, फिर कभी होंगे। तो अभी वो अप्लाई कर रही है ब्लश, जो कि काफ़ी अच्छा है, और आप लोग देख ही सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा ब्लश कर रही हूँ और सच में मैं पूरा दुल्हन दुल्हन वैसी फीलिंग्स आ रही है मुझे एकदम अंदर से। अभी वो अप्लाई कर रही है हाइलाइटर, जो कि है एनास्टासिया का, इसका भी नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि ये सब कुछ इंटरनेशनल ब्रांड है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप लोग देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा चमक रही हूँ मैं एकदम, सच में बहुत ही अच्छा फीलिंग्स आ रही है एकदम अंदर से मुझे। एंड लास्ट में वो इस सुंदर से मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए यूज़ कर रही है रेवोल्यूशन का मेकअप फिक्सर। उसके बाद आया ये ब्यूटीफुल सा कोलका, एंड कोलका के बाद ये अमेजिंग सा लिपस्टिक, एंड लिपस्टिक के बाद हेयर स्टाइल, एंड हियर इज द फाइनल लुक। ब्यूटीफुल सा ब्राइडल मेकअप लुक है, इसको क्रिएट किया है मोमिता दी ने, एंड आप लोग देख ही सकते हो कि कितना अच्छा मेकअप हुआ है, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल मैं दिख रही हूँ। एंड मोमिता दी, आप बोलिए, आपको क्या कहना है। जो तुम्हारे हमारे मेकअप भलो लेगे थे तो हमारे साथ कन्टैक्ट करते पर तुम्हारे स्पेशल डेते एखे ब्राइडल मेहंदीओ करानो है तर ब्राइडल पैकेजरों काज है तो हमार नम्बर कन्टैक्ट करते पर नम्बर 9875856
এটাতে আমার WhatsApp ও আছে আর কল নাম্বারও তো তোমাদের যদি আমার কাজ ভালো লাগে থাকে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করো ডেসক্রিপশন বক্স মে ভি পুরি জানকারী দিয়া হুয়া হ্যায় তো আপ লোগ ওয়াহাঁ পে জাকে চেক আউট কর সকতে হো অর ইয়ে লোগ কেসা লাগা কমেন্ট করকে জরুর বাতানা এন্ড ভিডিও পছন্দ আয়ে তো এক লাইক কর দেনা মেরে চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব কর দেনা এন্ড বেল আইকন প্রেস করনা বিলকুল মত ভুলনা মে মিলতে হ্যায় আপসে নেক্সট ভিডিও মে তব তক কে লিয়ে বাই টেক কেয়ার লাভ ইউ